नमस्कार, ईएमएस टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश और आइए हम नजर डाल लेते हैं छिंदवाड़ा की कुछ प्रमुख खबरों पर। हर मंगलवार होने वाली जनसुनवाई में आज कलेक्टर जेके जैन और अतिरिक्त कलेक्टर आलोक श्रीवास्तव को जिले से आए शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों ने अपनी अपनी समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए आवेदन दिए। जनसुनवाई में आज 210 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें मुख्य रूप से गरीबी रेखा में नाम दर्ज करने और कार्ड बनाने, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिलाने, अतिक्रमण और अवैध कब्जा हटवाने जैसे मुद्दे अहम थे। उधर पुलिस नियंत्रण कक्ष में आज पुलिस अधीक्षक गौरव तिवारी ने भी जनसुनवाई की, जिसमें जिले से आए लोगों ने जनसुनवाई में अपनी अपनी दरख्वास्त दी। जनसुनवाई में आज जमीन, लड़ाई झगड़े, हत्या, पारिवारिक विवाद जैसे मुद्दे अहम रहे। वहीं पुलिस अधीक्षक ने शिकायतों को सुनकर संबंधित थाना प्रभारियों को निर्देश दिए। कलेक्टर और एसपी की जनसुनवाई के साथ ही मंगलवार को नगर निगम की भी जनसुनवाई हुई, जिसमें निगम कार्यालय में अतिक्रमण, पानी और कॉलोनियों में सफाई जैसी समस्या को लेकर कई शिकायतें आई, जिसे निगम आयुक्त दीक्षित गढ़पाले ने सुनकर समस्या का निराकरण करने की बात कही। छिंदवाड़ा रेंज के डीआईजी जी के पाठक ने मंगलवार को पुलिस लाइन का वार्षिक निरीक्षण किया, परेड की सलामी ली। इस मौके पर एसपी गौरव तिवारी भी मौजूद थे। निरीक्षण के बाद डीआईजी ने पुलिस लाइन में दरबार लगाकर पुलिस कर्मचारियों से सीधी बातचीत की। राज्य स्तरीय जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन छिंदवाड़ा में किया गया। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 22 जुलाई तक चलेगी। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में यह प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। सिंधी समाज द्वारा मंगलवार को झूलेलाल मंदिर मोहन नगर में सुबह 8 बजे झूलेलाल भगवान का जल और दूध के साथ अभिषेक किया गया। साथ ही नवग्रहों की पूजा कर अखंड ज्योति को प्रज्वलित कर झूलेलाल चालीसा का पाठ किया गया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एमएस टीवी। नमस्कार।